जोगिंद्रनगर भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को संगठन में स्थान न मिलने पर उग्र हुए हैं और सैकड़ों कार्यकर्ताओं की रविवार को किसान भवन में बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक की अध्यक्षता पूर्व मंडलाध्यक्ष सूरत राम ठाकुर ने की। वहीं पूर्व में रहे लोक निर्माण मंत्री ठाकुर गुलाब सिंह ने इस बैठक में विशेष रूप से हिस्सा लिया है। बैठक में सर्वमत से प्रस्ताव पारित किया गया कि भाजपा के नए मंडल में वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई, जिसकी कॉपी प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सहित राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी भेजने का फैसला लिया गया। बैठक में कार्यकर्ताओं ने अपनी पीड़ा बताई। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता गुलाब सिंह ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा कि वे कोई नया संगठन नहीं बना रहे, बल्कि वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की अनदेखी के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। का दुख है कि जो लिस्ट बनी उसमें पुराने कोई भी कार्यकर्ता नहीं, या जिन्होंने पार्टी के लिए रात दिन एक किया था उनका कोई नाम नहीं। ऐसे लोग पार्टी में शामिल किए गए जिनका योगदान ही कोई नहीं, तो ये बड़े दुख की बात थी। हमने अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ थोड़ा सा विचार विमर्श किया और विचार विमर्श में उनका यही सुझाव था कि आप एक वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की एक बैठक बुलाओ और उसमें ये बात अपनी रखो, हमारी बात रखो। तो मुझे खुशी है कि सूरज जी ने वो बैठक बुलाई, हम सब उसमें शामिल हुए और कार्यकर्ताओं की जो अनदेखी है उसका जिक्र इस प्रस्ताव में है। कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी होती है, कार्यकर्ता सब कुछ है। ये चिंता सता रही थी कि नया संगठन बनेगा तो भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने समर्पित कार्यकर्ता हैं वो उस संगठन में शामिल होंगे, हम भले ना हों लेकिन जिन्होंने पार्टी को सींचा, अपना कंधा दिया, अपना समर्थन दिया वो उसमें जरूर शामिल होंगे। जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र से रिकॉर्ड मतों से यहाँ जो भी भाजपा का उम्मीदवार होगा वो विजयी होगा, इस बात का आश्वासन हम आज की बैठक में देना चाहते हैं। हमारे बहुत सारे लोगों में गलतफहमी रहती है, जो हमसे बाहर हैं वो कई प्रकार की बातें करते हैं लेकिन हमारे कार्यकर्ता बड़े निष्ठावान हैं, ईमानदार हैं। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए जोगिंद्रनगर से सुभाष ऐरी की रिपोर्ट।